हूँ शिवशंकर पांडे और आप देख रहे हैं एसएसपी न्यूज पलामू। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिहरगंज थाना क्षेत्र के भगत तेंदुआ स्थित बेलोदर पंचायत के मुखिया उमेश साव के गोदाम में पुलिस प्रशासन छापेमारी कर भूसे में छिपा कर रखे गए देसी एवं अंग्रेजी शराब के सैकड़ों पेटियां बरामद की है। अब तक 6 पिकअप एक बेलोरो पर शराब की पेटियां लोड की जा चुकी है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं फोनलाइन पर हरिहरगंज के संवाददाता प्रदीप मेहता, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। हाँ, आपसे एक सवाल, क्या यह मुखिया कितने दिन से शराब का कारोबार कर रहा था, आप बता सकते हैं? आप ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन शराब कारोबारी बहुत ज्यादा दिन से कर रहे थे। वो लंबे उनका बहुत बड़ा कारोबार था और जो है ना, उनका बड़ा गोदाम भी है 10-15 कट्ठा में, उसी में गोदाम। किस चीज में इस्तेमाल किया जाता था गोदाम? ये जो है ना, पहले आपका चावल गेहूं खरीदारी करते थे, गला का वो गोदाम था और उसी गोदाम में ये छुपाया हुआ था। अभी उसमें कुटी भूसा भी रखा हुआ था, उसी के अंदर शराब छुपाया हुआ था। पुलिस किस आधार पर कार्रवाई की और किस तरफ शराब को बरामद किया है, आप बता सकते हैं? हाँ, वो जो है ना, से पुलिस गश्ती कर रहे थे, हरिहरगंज के PSI हैं अवध किशोर पांडे, 2 बजे रात्रि को गश्ती के दौरान सहारा होटल के समीप जाते हैं तो बोलेरो दिखाई देता है जी। बोलेरो इन पुलिस गाड़ी देखकर बोलेरो भागने लगा और जाके जो है ना, से गोदाम जो बिलोदर पंचायत के मुखिया हैं उमेश साह, उन्हीं का गोदाम है, उसी में जो है ना, से गाड़ी अंदर बोलेरो क्रॉस कर गया। उसके बाद शंका के आधार पर इन्होंने खुलवाकर गोदाम में छापा मारा तो देखा कि भारी मात्रा में शराब है। क्या छापा रात्रि को ही मार दिया गया था कि सुबह किया गया है कार्य? वो अहले सुबह 4 बजे जो है ना, से छापा मारा गया, लेकिन रात्रि से ही फिर उस गोदाम को प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा घेर के रखा गया था। 2 बजे से ही? 2 बजे रात्रि से ही। मुखिया उमेश साहब के भूसा के गोदाम में कितने पेटी शराब बरामद किए गए होंगे? पेटी तो कंफर्म नहीं है, लेकिन 6 पिकअप जो है ना, पिकअप 6 पिकअप से फुल पिकअप आपका जो है ना शराब है, और जो है ना एक बोलेरो भी, उसमें एक बोलेरो में भी लादा हुआ, लाद कर लाया गया है। ये अंग्रेजी शराब है? अंग्रेजी शराब और देसी शराब दोनों उसमें है। उसमें जो है ना से आपका बुलेट है, उसमें बियर है, बियर भी है, अंग्रेजी शराब भी है, कई तरह के शराब है, 4-5 किस्म के शराब है। ये मुखिया कितने दिनों से धंधा कर रहे हैं, कुछ अभी तक कुछ जानकारी आपको चल रही होगी? इसकी खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन देखने से लगता है कि काफी दिनों से कर रहे होंगे, इसलिए कि भारी मात्रा में शराब है। ये प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रही है और अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक माल को बरामद किया गया है और इसकी सूचना वरीय अधिकारी को भी दे दिया गया है। वरीय अधिकारी थोड़ी देर में जो है ना, से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद सारी बात को खुलासा होगा। अभी स्पष्ट नहीं हो सका है कितना शराब है? अभी मैंने वैसे 6 पिकअप और एक बोलेरो में लादा हुआ है तो भारी मात्रा में ही शराब है। लगभग अंदाज लगाया जा रहा है कि 10-15 लाख रुपए की शराब कम से कम होगा। यह मुखिया जो अभी है उमेश साहब, अभी कहाँ पर हैं या फिर भाग चुके हैं वहां से क्षेत्र छोड़कर? यहाँ पर नहीं, औरंगाबाद में वो रहते हैं, उनका गोडाउन है यहाँ पर जो है ना, उनका मुंशी मैनेजर लोग देखते हैं। अभी आप जब पकड़ा है तो क्या आप उमेश साहब से आप कंसल्ट करने की कोशिश की, संपर्क करने की कोशिश की? अभी उनका मोबाइल बंद बता रहा है, अभी उनसे बात नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे कार्रवाई क्या होगी? आगे की कार्रवाई जो है ना, से थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि से इनके अभियान में और भी जो क्षेत्र के अंदर गलत जो धंधा शराब के धंधा कारोबारी हैं, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई अभियान अभी चलेगा और इन पर भी कड़ी नजर रखा जा रहा है कि और कहीं माल है, माने शराब है कि नहीं है, इस पर भी गहनता से पुलिस जांच कर रही है। चलिए, धन्यवाद सर, बने रहे खबरों के साथ।